पंचायत में हुए अवैध निर्माण के खिलाफ ऊल के बाशिंदों के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त हमीरपुर से मुलाकात कर अपनी समस्या से उन्हें अवगत करवाने के साथ ही अवैध निर्माण को जल्द हटाने की गुहार लगाई। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का कहना है कि जिस जगह भवन निर्माण किया गया है उस स्थान से 4-5 गांवों का रास्ता जाता है और इस अवैध निर्माण से उन्हें आने जाने में दिक्कतें पेश आएंगी। हमीरपुर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि ऊल से अंदराल गांव तक के चिन्हित रास्ते में एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर आम रास्ते को रोकना शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण के चलते सालों से आ जा रहे ग्रामीणों को अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने उपायुक्त को ज्ञापन के माध्यम से जल्द समस्या के निपटारे की मांग की है। तहसील टौणी देवी जिला हमीरपुर से आए हैं, डीसी महोदय से मिले। हमारे गांव में श्री मेर सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री झुमरी राम गांव नरोट के ही ने अवैध कब्जा कर रखा है, उसमें भवन निर्माण कर रखा है, जो कि एक सरकारी रास्ता है, जो मेन रास्ता है पूरे गांव के 35-40 गांव उसी रास्ते से आगे लोग जो है उससे गुजरते हैं। तो मेरा मोदिया से निवेदन है, मेरा सरकार से निवेदन है, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से निवेदन है कि इसके ऊपर तुरंत से कार्रवाई की जाए और बनाए भवन को जल्दी से जल्दी डिसमेंटल किया जाए और हमें गांववासियों की दिक्कत को देखते हुए हमारी समस्या को समाधान किया जाए। एक सरेआम रास्ता जो कि कागजों में लगा हुआ है और ऊल गांव से लेकर के अंदराल गांव तक जाता है, इसमें कम से कम 20-25 गांवों के लोग जो हैं वो आते जाते हैं। वहां पर श्री मीर सिंह द्वारा इलीगली इनक्रोचमेंट अवैध रूप से जो रास्ते का निर्माण करके गांव के रास्ते को बंद करना शुरू कर दिया है, जिसके बारे में 1 की कार्रवाई की गई है, जो कि तहसीलदार बमसन के पास विचाराधीन है। वहां से जो वो मामला विचाराधीन रखकर इसको जो आगे से आगे बढ़ाया जा रहा है और इसका फैसला नहीं किया जा रहा है और मीर सिंह द्वारा जो वो निर्माण कार्य जारी है और पूरा गांव जो वो इस निर्माण कार्य से दुखी है। इसलिए सरकार से प्रार्थना है, एक ज्ञापन दिया हमने कि इस रास्ते की रुकावट को दूर किया जाए। के अंदर अंदर मैं इसके ऊपर जो विचार करके पूरी रिपोर्ट मंगवा करके जो भी उचित कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी, वो की जाएगी, फिर कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे।